नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिब्रस क्लासेज के इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्द में आज का जो बिंदु होगा वह है विशेषण। क्या है विशेषण? आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। जैसा कि पता है कि विकारी शब्द चार होते हैं। कौन कौन से चार विकारी शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चार विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज का जो बिंदु होगा विशेषण। अब देखिए, विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, है ना। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। अब बात करते हैं संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण की क्रिया, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ तक की बात समझ में आई? विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण, सर्वनाम की विशेषता विशेषण, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। अब इसी संदर्भ में हम लोग विशेषण की परिभाषा को निकालेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या होगी? यहाँ हमको दो विशेषण मिल रहा है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा हो गया। क्या परिभाषा हो गया? परिभाषा को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। मित्रों, विशेषण जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि इनसे संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। जैसे हम समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। परिभाषा तो हो गया, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विकारी शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे मैंने कहा घोड़ा। अब बताइए घोड़ा कैसा शब्द है? तो घोड़ा, आप सभी को पता है घोड़ा संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, कोई भी संज्ञा रहे संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी के नाम है वह जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा संज्ञा शब्द है। अब घोड़ा को क्या कह दिया गया? काला। यहाँ एक नया शब्द आया, काला। घोड़ा संज्ञा शब्द है और शब्द आया घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा कैसा है?
काला है, अर्थात कह सकते हैं संज्ञा की विशेषता को बताया जा रहा है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताता है वे वह विशेषण कहलाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना। तो काला घोड़ा में काला क्या हो जाएगा, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। जैसे कह दिया जाए ताजमहल सुंदर है, ताजमहल सुंदर है, है ना। देखिए क्या कहा गया, ताजमहल सुंदर है। एक वाक्य है ताजमहल सुंदर है। ताजमहल यहाँ पर संज्ञा शब्द है, कोई जगह का नाम है, कोई जगह का नाम है, और जगह का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो यह क्या है, संज्ञा है। और ताजमहल की विशेषता है, ताजमहल की विशेषता को बताया गया है, ताजमहल कैसा है, तो ताजमहल कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर ही विशेषता बता रहा है, तो सुंदर ही क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे राम विद्वान है, तो राम संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि वह कैसा है, विद्वान है, तो विद्वान होना उस विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब सर्वनाम की विशेषता कैसे बताई जाती है, जैसे कह दिया गया मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ, तो मैं सर्वनाम है, विद्वान मेरी विशेषता बताई जा रही है, तो विद्वान कौन सा शब्द हो जाएगा, या विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। अभी और उदाहरणों को देखा जाएगा, जो जैसे विशेषण से प्रश्न जो आते हैं वे इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, कोई एक वाक्य दे देता है और उन वाक्यों में पूछा जाता है इन इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, है ना। तो इससे और भी प्रश्न आते हैं, किन किन कौन कौन से प्रश्न आते हैं उनको अभी मैं पूछता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए अभी विशेषण के प्रकार पढ़ने से पहले मैं विशेषण के कुछ शब्दों को बताता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। विशेषण के प्रकार अभी पढ़ा जाएगा, लेकिन विशेषण को पढ़ने से पहले विशेषण के कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उन पारिभाषिक शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला पारिभाषिक शब्द है प्रविशेषण, क्या है, प्रविशेषण। दूसरा पारिभाषिक शब्द है विशेष्य, या कह सकते हैं विशेषक। तीसरा पारिभाषिक शब्द है विशेष्य, क्या है, विशेष। यह तीन पारिभाषिक शब्द हैं विशेषण में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जानना अति आवश्यक है। इसके बाद ही हम लोग विशेषण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है, विशेषक क्या होता है, और विशेष्य क्या होता है, है ना। तो प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। यहाँ मैंने लिखा है संज्ञा की विशेषता विशेषण, सर्वनाम की विशेषता विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। जैसे उदाहरण देखते हैं, घोड़ा बहुत काला है, घोड़ा बहुत काला है, एक उदाहरण है घोड़ा बहुत काला है। ऐसे वाक्य देते हैं, इन वाक्यों में पूछा जाता है विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये ऐसा वाक्य दे तो आसानी के लिए आप संज्ञा शब्दों को खोजिए, तो संज्ञा शब्द इन सभी शब्दों में से एक ही शब्द मिलेगा, क्या, घोड़ा, है ना। बहुत ही आसानी समझिएगा, सरलता से घोड़ा संज्ञा शब्द है। अब देखिए घोड़ा कैसा है, घोड़ा कैसा है, कोई भी रंग है वह विशेषता होता है, वह विशेषण होता है। किसी भी व्यक्ति का गुण है, किसी भी व्यक्ति के की विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण होता है। तो यहाँ घोड़ा को कह दिया गया, घोड़ा कैसा है, काला है, घोड़ा कैसा है, काला है, अर्थात यह काला क्या है, विशेषण है। अब देखिए काला है, कितना काला है, तो उत्तर मिला
बहुत काला है, अर्थात विशेषण की विशेषता बताई जा रही। देखिए काला है, काला विशेष विशेषण है। अब कह दीजिए कितना काला है, बहुत काला है, तो बहुत ही यहाँ क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अब बात समझ में आई, घोड़ा संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता है कि काला है, काला है कितना काला, बहुत काला है, बहुत जो शब्द मिला वही क्या हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाता है। अब मित्रों बात करते हैं विशेषक क्या होता है। विशेषक तो ये एक नया पारिभाषिक शब्द नहीं है, क्यों, आप लोग के लिए नया पारिभाषिक होगा, लेकिन यह विशेषक क्या है, विशेषण ही है। विशेषक को ही क्या कहा जाता है, विशेषण ही कहा जाता है। मैंने इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि कई लोग इसे नया समझते हैं, नया नहीं है। जो विशेषक होता है उसे ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहा गया, परिभाषा को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और समझिएगा। क्या कहा गया, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, उस बिंदु को ही उसे विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं, है ना। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। अब इस विशेष्य को समझने के लिए एक और माध्यम में ले रहा हूँ। जैसे हम लोग अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं या अभी भी पढ़ेंगे, काव्य काव्य जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है अलंकार, उपमा अलंकार। क्या वो कौन सा अलंकार आता है, उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में चार मुख्य अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उपमेय होते हैं, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। क्या होता है, वाचक शब्द होता है। इसको हम लोग अलंकार में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार में चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बात हम लोग इसकी नहीं करेंगे, उपमेय उपमान की बात करेंगे। उपमेय उपमान क्या होता है, इन्हीं से अभी मैं संबंध बताने जा रहा हूँ। उपमेय क्या होता है, जैसे कह दिया जाए राधा मुख चंद्र सो सुंदर। क्या कह दिया गया, राधा मुख चंद्र सो सुंदर। अब यहाँ आप बताइए किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, किसकी तुलना किसके किससे कर रहे हैं, तो सीधे सीधे पता चलेगा मुख की तुलना किससे किया जा रहा है, चंद्रमा से किया जा रहा है। मुख की तुलना किससे किया जा रहा है, चंद्रमा से किया जा रहा है। तो यही बात समझनी है। देखिए एक होता है हिंदी में, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। पद्य में जो पढ़ते हैं वह उपमेय उपमान पढ़ते हैं, और जो गद्य में पढ़ते हैं वह विशेष्य और विशेषण पढ़ते हैं। दोनों एक ही है, अंतर नहीं है, क्योंकि यह गद्य में होता है और उपमेय उपमान पद्य में होता है। तो देखिए क्या कहा गया, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात मुख की तुलना चंद्रमा से हो रहा है, है ना। तो जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं उसे कहते हैं उपमेय, जिसकी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उपमेय। किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, अर्थात जिससे किया जाता है, जिससे किया जाता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना। क्या अर्थ होता है,
तुलना, ठीक है, जिससे किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसे कहते हैं उपमान। ठीक है, क्या कहा गया, जिसकी तुलना करते हैं, जिस शब्द की तुलना करते हैं उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे करते हैं उसे उपमान कहा जाता है। वही बात बिल्कुल यही आती है, जिसकी तुलना करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं और जिससे करते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं, जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं और उपमेय विशेष को कहते हैं, जिससे करते हैं उसे उपमान कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, विशेषण को कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से देखा जाए, परिभाषा विशेषिका, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वार्ता कर रहा हूँ, क्योंकि परीक्षाओं में विशेष्य और विशेषण से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से, राम चालाक है, पहले छोटा छोटा उदाहरण देखा जाए, राम चालाक है। संज्ञा सबसे पहले खोजते हैं, संज्ञा क्या है, राम है, राम क्या है, संज्ञा है, है ना। इनकी विशेषता क्या है कि यह कैसे हैं, चालाक हैं, तो चालाक होना विशेषता है, तो यह विशेषक या विशेषण कहलाएगा। अब इसमें पूछा जाता है विशेष्य कौन सा शब्द है, तो क्या परिभाषा बताया गया, जिसकी तुलना करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, यहाँ राम की तुलना कर रहे हैं, तो अर्थात राम कौन सा शब्द है, संज्ञा है, और संज्ञा या सर्वनाम ही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। बात आई समझ में, विशेष्य किसे कहते हैं। ये छोटा उदाहरण था, बड़ा उदाहरण भी पूछा जाता है, उन उदाहरण को भी देखा जाए। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उचित जवाब दिया जाएगा। आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो प्रश्न पूछिए, नहीं समझ में आता है तो। चलिए अब विशेष विशेषण में अगला बिंदु है, अगला उदाहरण मैं अभी और करा दे रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब इसमें पूछा गया है विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, तो आप बताइए विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इसमें देखिएगा, कई लोग जो है कहते हैं कि पुराना जो है विशेषण है और रमेश क्या है, विशेष्य है। रमेश विशेष्य है, पुराना क्या है, विशेषण है, ऐसा कई लोग कहते हैं। जब ऑफलाइन कक्षाएं चलती थी तो मैंने इस प्रश्न को पूछा था, तो काफ़ी लोग आंसर यही दिए थे कि रमेश विशेष्य है और पुराना जो है विशेषण है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले कोई भी इस प्रकार का वाक्य दे विशेषण में और पूछे विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, तो बहुत ही आसानी से करिए। सबसे पहले संज्ञा शब्द को खोजिए, संज्ञा शब्द क्या है, रमेश है। एक और शब्द मिलेगा पुस्तक, दो शब्द संज्ञा मिले, रमेश और पुस्तक। और कोई भी वस्तु है, जैसे कोई किसी की विशेषता बताई जा रही है, जैसे नया पुराना, यह तो विशेषता ही हुई। जैसे पेन नया है, तो पेन संज्ञा है, इसकी विशेषता यह नया है। कपड़ा नया है, पुराना है, फटा है, तो कपड़े की विशेषता है कपड़ा फटा है, कपड़ा पुराना है, कपड़ा नया है, तो विशेषता ये हो गई। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पुराना यह क्या है, विशेषण है।
अब बात आती है विशेष्य क्या है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि रमेश विशेष्य है, और विशेष्य किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विशेषण है, विशेषण एक ही है, पता क्या है, विशेषण एक ही है पुराना। अब देखिए किसकी विशेषता है, पुस्तक पुरानी है कि रमेश पुरानी है, उत्तर मिल गया आपको। देखिए रमेश पुरानी है या पुस्तक पुरानी है, तो आप सीधे कहेंगे कि कौन पुरानी है, पुस्तक पुरानी है, अर्थात पुस्तक भी संज्ञा शब्द है और यही संज्ञा क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी। रमेश यहाँ विशेष नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ कठिन उदाहरण भी पूछे जाते हैं, जैसे एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस गाय का दूध बहुत मीठा है। अब इस प्रश्न को आप अपने से पहले करेंगे, वीडियो को पास कर देंगे, रोक लेंगे और अपने से करेंगे, उसके बाद जो है लेक्चर को फिर देखेंगे, फिर आंसर आपको पता चलेगा, ठीक है। पहले वीडियो को देख रहे हो तो उसको जो है रोक दीजिए और रोक करके अपने से करिए, उसके बाद फिर वीडियो को देखिए तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस गाय का दूध बहुत मीठा है। अब इस प्रश्न में पूछा जाता है विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है। प्रश्न बड़ा है, बड़ा देख करके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है, आसानी से करिए। सबसे पहले मैंने बताया कोई भी वाक्य देता है विशेषण विशेष्य से, तो आप सबसे पहले संज्ञा शब्द को खोजिए, है ना। तो संज्ञा शब्द आपको दिख रहा है और संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, तो आपको सीधे पता है गाय कौन सी शब्द है, गाय कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है। दूध भी संज्ञा शब्द है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, है ना। दो शब्द मिले संज्ञा, गाय और दूध, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संज्ञा शब्द क्या है, गाय, और क्या है, दूध, दो शब्द संज्ञा मिले। अब देखिए यहाँ कई लोग जो है गाय को मीठा कर देते हैं और गाय विशेष बना देते हैं, गाय को विशेष बना देते हैं, गाय विशेष नहीं होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। गाय दूध, दो संज्ञा मिला। अब देखिए मीठा खट्टा तीता यह विशेषता होती है, होती है ना, जैसे खाना खाते हैं तो कहते हैं आज जो है सब्जी बहुत तीता है, मीठा है, खट्टा है, तो खट्टा तीता मीठा यह विशेषता होती है किसी न किसी की, तो विशेषता है तो विशेषण हो गया, मीठा होना क्या हो गया, विशेषण हो गया। जब विशेषण पता चल गया तब आपको विशेष्य नहीं पता चल जाएगा। देखिए मीठा है, कौन मीठा है, गाय मीठा है कि दूध मीठा है, गाय मीठा है कि दूध मीठा है, गाय ने नहीं मीठा होगा, क्या मीठा होगा, दूध मीठा होगा। अर्थात जब दो संज्ञाएं रहे तब इस प्रकार से आप विशेषण जब खोज लेते हैं, विशेषण को खोजने के बाद उससे प्रश्न करिए क्या मीठा है, तो मीठा क्या है, गाय की दूध, गाय तो मीठा होता नहीं है क्योंकि गाय कोई चखने वाली चीज थोड़ी ना है, दूध मीठा है, तो दूध ही, दूध संज्ञा शब्द है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, है ना। तो क्या पता चला, दूध विशेष्य है। अब देखिए मीठा है, कितना मीठा है, तो उत्तर मिला बहुत मीठा है, तो बहुत यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण है, क्या है, प्रविशेषण है। अब यहाँ देखिए विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण तीनों मिल गए। प्रश्न को इस प्रकार से किया जाता है, एक और प्रश्न, वह, और थोड़ा सा खराब बन गया, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, इसको अपने कॉपी पर करिए, करना शुरू करिए, वीडियो को रोक दीजिएगा और इसको जो है अपने से सॉल्व करिए,
फिर थोड़ी देर बाद वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। अब इसमें सबसे पहले क्या खोजेंगे, संज्ञा शब्द खोजेंगे। संज्ञा शब्द मिल गया क्या, व्यक्ति, है ना, व्यक्ति संज्ञा शब्द है। धार्मिक किसी की भी, किसी भी व्यक्ति की विशेषता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, ठीक है। तो धार्मिक होना मेरी विशेषता है, व्यक्ति की विशेषता है, विशेषता है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। और धार्मिक कितना है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा नहीं है, कितना है, बहुत है। तो बहुत जब भी दिखे आपको विशेषण में, तो वह सदैव क्या होता है, प्रविशेषण होता है। और धार्मिक कौन है, व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा है, यही क्या कहलाएगा मित्रों, विशेष कहलाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष संज्ञा सर्वनाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि विशेषण विशेष से लगभग 2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न भी आ सकते हैं, थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इस प्रश्न में पूछा गया है विशेष क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। तो सबसे पहले इस, जब भी मैं बता रहा हूँ, जब भी इस प्रकार के वाक्य रहें उनमें आप खोजिए संज्ञा शब्द कौन है। तो भारत संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ब्रह्मपुत्र किसी नदी का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। 2 संज्ञा शब्द मिले, है ना, नदी संज्ञा शब्द है, नाम दे दिया गया है नदी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देखिए नदी की विशेषता है कि नदी कैसी है, जैसे कहते हैं नदी, नदी है, अब नदी की विशेषता बताई जाए तो नदी की विशेषता क्या बताएंगे, यह नदी बहुत लंबी है, यह नदी बहुत चौड़ी है, यह नदी बहुत छोटी है, यह नदी बहुत बड़ी है। तो नदी की विशेषता क्या होगी, छोटी बड़ी चौड़ी और लंबी, है ना। तो नदी कैसी है, चौड़ी है, तो चौड़ा होना उसकी क्या है, विशेषता है, तो यह क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब देखिए चौड़ी है, कितनी चौड़ी है, सबसे चौड़ी है, विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है। चौड़ी है, कौन चौड़ी है, नदी चौड़ी है, और नदी संज्ञा शब्द है, तो यह क्या कहलाएगा मित्रों, विशेष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। तो इस प्रकार के ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा प्रश्न किया जाए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे, इतने बड़े प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें कई विशेष्य है, कई विशेषण है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया है, इतना बड़ा प्रश्न ये आप लोगों के परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। मेरे पूछने का तात्पर्य बस इतना है कि आप पहचान ले रहे हैं कि नहीं,
क्योंकि विशेष विशेषण पढ़ लिए हैं तो कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों न हो आप उसे पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका बता दिया गया, विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या होता है। तो आप इसको, इस प्रश्न को बड़ा होने से जरा भी भयभीत ना हो, इस प्रश्न को सॉल्व करें। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर उत्तर देखिए। सबसे पहले मैंने बताया कि कितना भी बड़ा वाक्य क्यों न हो, वाक्य में सबसे पहले संज्ञा शब्द को खोजिए। संज्ञा शब्द मिल जाते हैं, फिर देखिए उसकी विशेषता क्या क्या है, है ना। तो देखिए यहाँ पर बालक संज्ञा शब्द है, डाकू संज्ञा शब्द है, हृदय संज्ञा शब्द है और भावना संज्ञा शब्द है। चार संज्ञा शब्द मिले, क्या क्या मिले, बालक, डाकू, हृदय और भावना। अब देखिए यदि इनकी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द से तो वह विशेषण होगा और ये जो शब्द हैं संज्ञा यह विशेष होंगे। अब देखिए बालक की विशेषता कहा जा रहा है कि बालक कैसा है, भोले हैं, बालक कैसा है, भोला है। अब बताइए बालक की विशेषता क्या क्या होती है, बालक की विशेषता होती है बालक बहुत शरारती होते हैं, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत नटखट होते हैं, बहुत शांत होते हैं। बच्चों के विशेषता ही तो होती है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, विशेषता है। तो जब विशेषता है तो भोले क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब बालक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, आगे है डाकू संज्ञा शब्द है। अब देखिए डाकू के आगे शब्द दिया है क्रूर, है ना। अब देखिए डाकू जो है क्या है, क्रूर है, यह डाकू की विशेषता है। डाकू की और भी विशेषताएं होती हैं, डाकू बहुत अच्छे होते हैं, डाकू बहुत क्रूर होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अच्छे कैसे होते हैं, होते होंगे भाई अच्छे। ठीक है, तो डाकू कैसे कैसा है, क्रूर है, और क्रूर होना इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, ये संज्ञा शब्द है तो यह क्या हो गया, विशेष हो गया। अब देखिए हृदय, हृदय कैसा है, हृदय संज्ञा शब्द है और हृदय कैसा है, कठोर है। किसी किसी का हृदय कोमल होता है, नाजुक होता है, कठोर होता है, मुलायम होता है, ठोस होता है, तो यह हृदय की विशेषता है, है ना। तो देखिए कठोर होना विशेषता है, तो कठोर क्या हो जाएगा, विशेषण, और हृदय की विशेषता है तो यह क्या हो जाएगा, विशेष। भावना भाववाचक संज्ञा है, भावना किसी लड़की का नाम यह नहीं है। अब देखिए भावना का मतलब होता है सोच, अब भावना कैसी है, सोच कैसी है, तो सोच कैसी है, कोमल है। किसी किसी की सोच बहुत कठोर होती है, किसी की सोच बहुत अच्छी होती है, खराब होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ भावना कैसी है, भावना कैसी है, कोमल है, तो यह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और कोमल होना क्या है, विशेषता है, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा प्रश्न अब नहीं मिलेगा। आप लोग विशेषण से जितने भी विशेष विशेष से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में उनको हल करिए, नहीं आता है तो आप उसे चैट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि जो है आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। तो मित्रों ये आज का जो बिंदु था इसको मैं एक बार संक्षिप्त में रिपीट कर दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़े हैं विशेषण, आज क्या पढ़े हैं, विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर विशेषण के कुछ प्रमुख पारिभाषिक बिंदुओं को देखा गया, जैसे विशेष, विशेषक, विशेषक को ही विशेषण कहा जाता है, और प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता जब बताई जाती है वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, और विशेषक तो पता ही है। तो ये सब उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे विशेष विशेषण और प्रविशेषणों को देखा।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आज जो हम लोग का अगला बिंदु होगा वह होगा विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, ठीक है मित्रों। अगला जो बिंदु होगा वह क्या होगा? विशेषण के प्रकार। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखना है कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए एक प्रश्न विशेषण विशेष से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ये प्रश्न आप लोग करके जिनको कमेंट करना होगा कर देंगे। इसमें बताना है विशेष्य कितने हैं और विशेषण कितने हैं और प्रविशेषण कितने हैं, ठीक है। ये तीन प्रश्नों का जवाब देना है, विशेष्य विशेषण और प्रविशेषण कितने कितने हैं, ठीक है। और कितने नहीं हैं, कितने हैं उनके साथ ही साथ ये भी जवाब देना है कि कौन कौन से शब्द विशेषण हैं, कौन कौन से शब्द विशेष्य हैं और कौन से शब्द प्रविशेषण हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विशेषणों के प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।